नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठंडार बॉय पर। साथियों, आज जो वीडियो है वो हम आपके सामने ऐसे सूरवीर की वीडियो लेके आए हैं, जो है महान वीर योद्धा की गाथा लेकर आए हैं। सूरवीर भूपत सिंह ठंडार या भूपति सिंह ठंडार के बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत एक ऐसे महान वीर योद्धा की गाथा लेकर, जिसने शौर्य और बलिदान से भरी है, जिसने न सिर्फ भदावर राज की रक्षा की अपितु भदावर राज को पुनः जीतकर भदौरिय राजवंश को वापस दे दिया था, जिनका परिचय मैं आपको करवा देता हूँ कि सूरवीर भूपति सिंह ठंडार महाराजा खेत सिंह ठंडार के वंशज थे और जिन्होंने राजूराव भदौरिया के द्वारा मृदा की उपाधि जो हासिल की थी। वीर भूपत सिंह ठंडार की मृदा राजपूत ठंडार राजपूत की ही अभिन्न भार है या अभिन्न अंग है, हम ऐसे बोल सकते हैं। मृदा राजपूत के बारे में कुछ लोग है जो गलत अवधारणाएं रखते हैं और मतभेद जो प्रस्तुत करते हैं। तो यह जाति भिंड मुरैना ग्वालियर और श्योपुर में पाई जाती है। मृदा जो जाति है वो ज़्यादातर इन चार क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार या इतिहास के अनुसार हम जाने तो महाराजा खेत सिंह ठंडार की जो बेटी थी कुंवर विजय, जो भदावर राज के भदौरिया राजा भीमसेन भदौरिया के ब्याही थी, उसकी शादी है जो भदौरिया वंश के भदौंडड राजा भीमसेन भदौरिया को के साथ में उनकी शादी हुई थी। महाराजा खेत सिंह के पुत्र थे, वो अपनी भांजी की शादी में भदौंडड गए थे। इस अवसर पर गौड़ छई अपने राज्य छुड़ाने की आशा में भदौंडड पर चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध में नारसिंह ठंडार प्रताप सिंह ठंडार सहित भानिज वीररति को प्राप्त हो जाते हैं और रणकुंडार से आए अनेक ठंडार सरदार सहित युद्ध में वीररति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने काल में शल्यदेव भदौरिया ने 1194 से 1208 ईस्वी तक राज्य किया था। समकालीन रणकुंडार राज्य जो ज्योति ठंड की राजधानी थी और भदौंडड राज्य से संबंध होने के कारण दोनों ही भदौरिया वंश तथा ठंडार वंश राज्य एक दूसरे का हितेशी माना जाता है या मानते थे। सन 1208 ईस्वी में मोहब्बत गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भदौंडड पर आक्रमण किया, जिसमें शल्यदेव भदौरिया को वीरगति प्राप्त हुई। सेना का भीषण संहार हुआ। राजा की तीन रानियां थी, जिनमें से दो रानियों ने तो अपना जौहर कर लिया, सती हो गई, और एक रानी थी उन्होंने जौहर क्यों नहीं किया क्योंकि वो पेट से थी और जो तीसरी रानी थी वो सीटर के राव सीटर देव की पुत्री थी और अपने वंश की रक्षा करने के लिए उसने सती पर नहीं दोहराया, मतलब जौहर नहीं किया था। राजा शल्यदेव भदौरिया के विश्वास साथी भूपति सिंह ठंडार या भूपत सिंह ठंडार है, उन्होंने उनकी रक्षा की और महारानी जो तीसरी वाली महारानी थी शल्यदेव जी की बेटी, उसे सुरक्षित अपने मायके सीटर में पहुँचाया था। रानी ने पुत्र को जन्म दिया था, जिससे भदौरिया वंश की रक्षा हुई। इसी बीच भूपति ठंडार ने भदौरिया राज्य को पुनर्जीवित करने का प्रयत्नशील बने रहे। पुत्र के बड़े होने पर भूपति ठंडार ने संगठन शक्ति द्वारा ठंडार सरदारों को एकत्र कर रानी के पुत्र को भदौंडड का शासन घोषित किया तथा राज्य की मुस्लिम शासकों से रक्षा की। इस तरह भदौंडड राज्य पुनर्जीवित हुआ। इस रक्षार्थ कार्य से रानी ने अपने राज्य रक्षार्थ ठंडारों को भाई का सम्मान, हल्दी का टीका लगाकर तथा प्रथा का पालन आजीवन किया। शादी अवसर पर ठंडार राजपूतों का विशेष आचार प्रथा भदावर क्षेत्र में आज भी की जाती है। राजा राजू रावत भदौरिया ने भूपत सिंह को मर्दमी की उपाधि से विभूषित किया था। मर्दमी शब्द का जो रूपांतरण मर्द होता है और भदावर स्थानीय भाषा में मर्द को मृदा कहा जाता है। मुसलमान शास्त्रों ने भी भूपत सिंह ठंडार की वीरता को स्वीकार कर मर्दा उपाधि को स्वीकारा था। संपूर्ण भदावर राज्य में मृदाओं की अनेक जागीदारियाँ थीं। जिला जैसे भिंड है, मुरैना है, ग्राम जैसारा है, अजेड़ा है, बनवारी या परिछत्यपुरा है, श्यामपुरा है, हिंडावली है एवं अम्बहा जमींदारी के प्रमुख ठिकाने थे। उन्हें समयान में छत्रपाल की मुटेरी व चोरी प्रदान किए गए थे। दरबार चौपाल के चिन्ह आज भी स्मृति मात्र है। उनके व्यवहार संस्कार व चलन में आज भी बहिरुतबा पाया जाता है तथा समाज सम्मान के पात्र है। ठंडार वंश स्वयं को मृदा कहकर गौरव का अनुभव करते हैं। जिन राजपूतों को इस पवित्र उपाधि का ज्ञान है वे उन्हें उनकी इस वीरता कार्य को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
तथा मृदाओं को इसी प्रकार की वीरता और बड़े ही आदर के साथ व्यवहार करते आ रहे हैं। इसी प्रकार यह उपाधि नाम वंश व जाति के रूप में देवकाल स्थिति अनुसार स्थिर हो गई। निसंदेह मृदा ठंडा राजवंश या ठंडा क्षत्रियों का अभिनंदन है।